नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केयर लव फिट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है दर्द सा दिल में होता है। आज का वीडियो दिल को राहत दिलाने वाला है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्यारी चीज है प्यार। प्यार अमर था, प्यार अमर है और प्यार अमर रहेगा, इसमें जरा भी शक नहीं। प्यार करने से दो दिल मिलते हैं, प्यार में दो दिल सब कुछ भूल जाते हैं, प्यार में कसमें वादे होते हैं, प्यार में इंसान अपना सब कुछ निछावर कर देता है, प्यार में दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है, प्यार में अनजान आदमी भी दोस्त बन जाता है। प्यार एक ऐसी दवा है जिसमें कोई भी मरीज अपना दुख दर्द भूल जाता है। प्यार जताने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता, सिर्फ अंतर मन में प्यार की जोत जलानी पड़ती है, क्योंकि अंतर मन एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है। यदि उसमें प्यार की जोत निर्माण हो गई तो जीवन में आपका हर काम आसानी से सफल हो सकता है। जिंदगी में हर इंसान सफलता ही चाहता है, इसलिए हर व्यक्ति ने प्यार को अपने दिल से लगा लिया तो दुनिया के सारे दुख दर्द का अंत हो जाएगा। दोस्तों, प्यार जब इतना अहम है तो फिर इंसान प्यार को समझने में देर क्यों लगाता है? माँ बेटे का प्यार अमर है, भाई बहन का प्यार अमर है, बाप बेटे का प्यार अमर है, ये सब करीबी रिश्ते अमर हैं। दोस्ती के प्यार की कई कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन जो रिश्ता सबसे प्यारा है, जिस पर सारी दुनिया को गर्व है, उसमें दरार क्यों आती है? पति पत्नी का एक रिश्ता होता है लव मैरिज, दूसरा रिश्ता होता है आपसी पसंदी का। जब पति पत्नी शादी के बंधन में जीवन शुरू करते हैं, तब दोनों अलग अलग संस्कृति से परिवार से आते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए, यदि पति पत्नी ने ये बात को समझ लिया तो दोनों की जिंदगी अच्छे ढंग से बीत सकती है। लेकिन आपसी झगड़े को, आपसी विचारों की भिन्नता को यदि आप पुलिस थाने में ले गए और कोर्ट कचहरी में पति पत्नी उलझ गए तो आपकी जिंदगी दर्दनाक हो जाएगी, आपके दिल से प्यार की पुकार आएगी। दोस्तों, पति या पत्नी ने आपसी झगड़े को किसी भी अन्य व्यक्ति को बताया तो वो सभी लोग आपको उकसाएंगे और आप एक मोहर बन जाओगे। जब आप पुलिस थाने में जाओगे तो पुलिस आपकी तहकीकात करेंगे, आपके परिवार पर समाज कीचड़ उछालेंगे, आपकी बेइज्जत हो जाएगी। आप वकील के पास जाओगे तो आप जो चाहते हो उसके लिए वकील इंसाफ दिलाने के लिए आपको उकसाएगा, आपसे फीस वसूल करेगा, आपको कोर्ट की तारीख पे तारीख मिलती जाएगी। आपके जीवन के आपसी झगड़े में कई साल बीत जाएंगे, इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। पति को शायद लगेगा कि उस पर आसमान टूट पड़ा है और पत्नी को लगेगा कि उस पर जो बीत रही है वो दूसरे को क्या पता, कारण कुछ भी हो सकता है। यदि पति पत्नी ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की तो शादी एक शाप बन जाती है। यदि पति पत्नी दोनों भी एरोगेंट रहे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। पति पत्नी ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए। शादी के बाद पति या पत्नी जैसा सोचेंगे वैसा ही होना चाहिए, ऐसा व्यवहार संभव नहीं। दोनों ने एक दूसरे के साथ नम्रता से पेश आओगे तो गृहस्थी शांति से व्यतीत हो सकती है। समाज में आप दोनों का स्थान एक दूसरे के साथ होने से ही उचित होता है। दोस्तों, पति पत्नी ने किसी बात पर भी आक्रोश करने से पहले आपने जो प्यार से एक दूसरे के साथ जो समय बिताया है उसे याद करना चाहिए, आपके एल्बम के फोटो देखने चाहिए। आप पुलिस या कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, आपका समय और पैसा बर्बाद होगा। कोर्ट में होशियार जज भी आपसे यही कहेगा कि परिवार को बिखरने से हम हरदम कोशिश करते हैं,
समझाते हैं, यदि पति पत्नी मानेंगे नहीं तो वो पति पत्नी जो चाहते हैं वैसा फैसला सुनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पति पत्नी आप बीते को गलती मानकर समझदारी से काम लेते हैं और पति पत्नी के प्यार को समझ जाते हैं और साथ में ही रहना पसंद करते हैं।